दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में ऐसा समय आता है जब हम अपने पेशेंस को खो बैठते हैं। दोस्तों जब हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, जब कोई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जीडीपी रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन रिलेटेड हो, बाजार करेक्शन में आता है और जब वो कुछ समय रहता है और हमें आदत होती है रोज रोज पोर्टफोलियो देखने की, तब हम अपने आप पे शक करने लगते हैं कि क्या ये जो रास्ते पे मैं चल रहा हूं ये वेल्थ की ओर है कि नहीं, क्या ये रास्ता मुझे मल्टी ईयर रैली देगा, क्या ये रास्ता मुझे कंसिस्टेंट अर्निंग देगा कि नहीं। दोस्तों ये कठिनाई अगर हमारे सामने आए तो दोस्तों कुछ डेटा स्टडी जो आज हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि डेटा स्टडी आपको रास्ते क्लियर देखने में मदद करे, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा एजेंडा है, हम कुछ यूएस की जीडीपी पे बात करेंगे, क्योंकि देखो भारत का जो डेटा है, जो स्टॉक मार्केट का डेटा है, वो अभी भी कम है। हमें लॉन्ग टर्म हिस्ट्री जानने के लिए अभी भी यूएस के डेटा देखने पड़ते हैं, क्योंकि उनका डेटा वाइड है, लंबे समय का है। तो हम यूएस का जीडीपी का डेटा, यूएस का मार्केट बिहेवियर, इन्फ्लेशन उसमें क्या इफेक्ट करता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन और मार्केट तीनों को कंबाइन करके और लॉन्ग टर्म मूवमेंट कैसी मिलती है, इस पे दोस्तों अब हम बात करेंगे। तो रेडी हो दोस्तों मेरे साथ, अपने नोटपैड को साथ में रखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट डेटा को दोस्तों आप लोग हाईलाइट कर पाए, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स का लॉन्ग टर्म चार्ट। दोस्तों ये एनुअल कैंडल डाउ जोन्स की आपके सामने है, टाइम फ्रेम मैंने 1960 से 2020 यानी पिछले 60 साल का एक लंबा इतिहास लिया हुआ है ताकि हमें ब्रॉड बेस पे आइडिया आए। दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 60 ईयर में डाउ जोन्स ने 6.6% रिटर्न दिए है। 6.6% रिटर्न, तो उनका जीडीपी कितना बड़ा होगा, राइट, ये भी एक प्रश्न है। 6.6% रिटर्न अगर इनके 60 साल के है दोस्तों, उनके फिक्स सिक्योरिटी के रिटर्न 1 से 3% है, 2 से 3% मान सकते हो, 2 से 3% फिक्स सिक्योरिटी और उनके मार्केट के रिटर्न 6.6%। ये रिटर्न अगर उनको 60 साल के मिले हैं तो ये डेटा देख के क्लियर आपको पता चल जाना चाहिए कि दोस्तों हर दशक में उनको इतने बढ़िया रिटर्न नहीं मिले। दोस्तों अगर 60 साल की हिस्ट्री के 6.6% रिटर्न, तो इनमें 3 दशक ऐसे भी है जिसमें बिल्कुल बुरे रिटर्न मिले हैं, 2%, 1%, 1%। अब इतने बुरे रिटर्न है दोस्तों दशक के, इनके अंडर परफॉर्मेंस हमको 60 साल में, ये 30 साल में दिख रहा है। तो दूसरी तरफ हमको दूसरे 30 साल ऐसे भी दिख रहे हैं जहां पे आउट परफॉर्मेंस हुआ है। ओवर अगर सब कंबाइन करें तो दोस्तों रिटर्न 6.6%, आधे रिटर्न, आधा समय बुरे रिटर्न, आधा समय अच्छे रिटर्न। इससे एक चीज सीखने को मिलती है दोस्तों कि अगर लॉन्ग टर्म में वहां पे 6.7% रिटर्न मिले हैं, हर साल नहीं मिले, हर दशक नहीं मिले, कुछ आधी दशक ऐसी भी थी जब बिल्कुल बुरे रिटर्न थे, आधी दशक ऐसी भी है जब बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, कॉम्बिनेशन से दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, राइट। इसमें यह भी प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार लॉन्ग टर्म में अगर 6.6 है तो क्यों 1962 1980 बुरे रिटर्न थे। प्रश्न दो ये होना चाहिए क्यों 1980 से 2000 में धमाकेदार रिटर्न थे, राइट। प्रश्न नंबर 3, क्यों 2000 से 2010 के बीच में बहुत ही बुरे रिटर्न है 1%। हाल है कि कहीं पे भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता है 60 साल की डाउ जोन्स की हिस्ट्री में कि मेरे को नुकसान हो गया। ये नुकसान नुकसान बोलने वाले यही लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में खेलते रहते, ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस ना समझते, इनको खाली शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए बाजार में आते हैं, लिवरेज लेते हैं और निराश होते हैं। दोस्तों जब एक समय आप देते हो तब नेगेटिव रिटर्न की कोई यहाँ पे संभावना नहीं होती है, इसीलिए जनरली दोस्तों हम कहते हैं मिनिमम 10 साल लेके आओ। 10 साल अगर लेके आते हो दोस्तों तो नेगेटिव रिटर्न, दोस्तों रिस्क नाम की चीज ही यहाँ पे नहीं, राइट। जो मिलना है अच्छा मिलना है, जो मिलना है पॉजिटिव मिलना है। अब कितना अच्छा मिलेगा कितना बुरा मिलेगा ये आपको आने वाले समय में पता चल सकता है, पर डाउ जोन्स के रिटर्न ऐसे
क्यों है? क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन तीन, ये तीनों जो प्रश्न मैंने आपको पूछे, ये तीनों प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना, इनका जवाब क्या हमें जीडीपी से मिलेगा। चलो दोस्तों तो जीडीपी देखते हैं, डाउ जोन्स का उतनी ही हिस्ट्री का। 1962 टू 2020 यानी 60 इयर्स की अगर जीडीपी डेटा देखे हम यूएस के, तो दोस्तों जीडीपी भी इनका 6.3% से बड़ा है। दोस्तों जितना उनका मार्केट बड़ा है उतना ही उनका जीडीपी बड़ा है, पर जीडीपी उतना वोलेटाइल नहीं है जितना मार्केट था। देखा था आपने, मार्केट 6. अगर मार्केट 6.6% बड़ा था तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत थी, कुछ दशक में बहुत ज्यादा, कुछ दशक में बिल्कुल घटिया रिटर्न थे, सबका मेल करो तो इतने ही रिटर्न थे, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, बाजार बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, प्लस माइनस बहुत होंगे, अचानक बाजार बढ़ेंगे बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, अचानक बाजार गिरेंगे एवरेज रिटर्न मिलेंगे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जितनी जीडीपी बढ़नी है उसके साथ बाजार को चलना है। पर मुझे यहाँ पे दूसरा एक प्रश्न हो रहा है, और वो ये है कि 1962-80 में तो यार जीडीपी बढ़िया बढ़ा था, कम से कम 1980 में तो बढ़िया बढ़ा है, डबल डिजिट का जीडीपी जो मुझे और कहीं भी नहीं दिख रहा है, 10% का ग्रोथ, पर फिर भी मैंने अभी देखा था बाजार के रिटर्न अच्छे नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ था 1972-80 में कि बाजार के रिटर्न इतने बढ़िया नहीं थे? आप 1990 का ये दौर देखो, जब जीडीपी अच्छा बढ़ा है, एवरेज से ज्यादा है, पर ये समय पे मार्केट के रिटर्न तो क्या धमाकेदार रिटर्न थे। ऐसा क्यों? दोस्तों जीडीपी अगर मार्केट को चलाता है, ये हम दो पटरी समझेंगे, रेल की पटरियां है, दोनों साथ में चलती है, जितना जीडीपी बढ़ा उतना मार्केट बढ़ा, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल, वो बढ़ा तो 6.5% है, पर कुछ समय एकदम डाउन, कुछ समय एकदम प्लस। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ मार्केट को ट्रैक करते जाओगे तो ये चक्रव्यूह में फंस सकते हो, कई बार बुरे रिटर्न होंगे, आप भाग सकते हो, लेकिन दोस्तों जीडीपी ट्रैक करेंगे, अगर जीडीपी आपकी कंट्री का बढ़ता जा रहा है, चिंता की बात नहीं, अब गिरा हुआ मार्केट वापस अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट फ्रेंड्स? पर ये प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि यहाँ पे तो जीडीपी मस्त बढ़ा पर मार्केट ने तो यार सबसे बुरे रिटर्न यहीं पे दिए हुए थे, क्यों ऐसा? दोस्तों इसका जवाब हमें किधर से मिलेगा, ये मैंने एक और डेटा आपको जीडीपी के ग्रोथ का दिया है। दोस्तों ग्रोथ अगर आप देखो तो सिर्फ दो समय ऐसे थे जब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थे, 2020 में दोस्तों -2.2, और 2008 में दोस्तों जब सब प्राइम क्राइसिस थे, राइट? वो समय पे भी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गया था। तो एक प्रश्न का जवाब मिला कि भाई यहाँ पे 2000 से 2010 में जीडीपी ग्रोथ जब नेगेटिव हो गया होगा तो बाजार पे तो उसकी बड़ी विपरीत इफेक्ट आई होगी, तो इसीलिए ये समय पे भी रिटर्न अच्छे नहीं थे, राइट? पर इनके अलावा जहां पे तो देखो यार कैसे रिटर्न है, 10% मतलब आप 11 ना 12 ना 13 ना, बिल्कुल मस्त डबल डिजिट के रिटर्न यूएस के देख रहे थे, पर मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं थी, क्यों ऐसा? दोस्तों आइए इसे हम चेक करते हैं। ये चेक करने से पहले वापस मैं आपको पूरा हाईलाइट बता दूं, चित्र बता दूं, ये है डाउ जोन्स के रिटर्न जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे 62-80 में, ये है जीडीपी ग्रोथ जो 62-80 में अच्छा था, राइट? 10% मतलब ये तो बहुत अच्छा था, पर रिटर्न उस समय बुरे थे, इनफैक्ट हिस्टोरिकल सबसे बुरे 1%। तो ऐसा क्यों? ऐसा अगर हमारे साथ आने वाले समय में हो तो हम क्या करें, क्या होने पे ऐसा हो सकता है, इसका जवाब मिलना जरूरी है। 1982-90 यू कैन कंपेयर, बाजार के रिटर्न मस्त हो गए, जीडीपी पहले था उतना नहीं था, देखो एवरेज से ज्यादा, पर बाजार ने तो उसकी करवट कुछ और ही बताई, सीधा डबल डिजिट में रिटर्न। 1992-2000 में और धमाकेदार रिटर्न, राइट? तो बाजार के रिटर्न यहाँ एकदम मस्त होते गए, जीडीपी एवरेज जितना था, पूरे नहीं थे अच्छे नहीं थे, पर बाजार के रिटर्न तो एकदम जबरदस्त चल रहे थे। जहां पे हमने देखा नेगेटिव रिटर्न, इसका जवाब तो मिला हमें क्योंकि नेगेटिव जीडीपी आ चुका था, एवरेज से भी कम है, राइट? ओवरऑल जो पूरा चित्र अगर हम देखें दोस्तों, पूरा जो प्रश्न मैंने नीचे लिखे हुए,
राइट, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट परफॉर्म्स विद जीडीपी ग्रोथ, हाँ कि ना। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, ड्यूरिंग ईयर 1980 डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ मार्केट डिड नॉट परफॉर्म, व्हाई? इसका जवाब नहीं मिला है अभी। तीसरा, पोस्ट 1980 टू 2000 मार्केट परफॉर्म वेल, 1980 से 2000 में मार्केट ने बढ़िया रिटर्न दिए, जीडीपी पूरा नहीं था पर इतना भी अच्छा नहीं था कि हमें जबरदस्त रिटर्न मिले, ऐसा क्यों? चलो इन सब के प्रश्न दोस्तों हम लोग लेंगे दोस्तों। तो अहम डेटा पे हम आते हैं और वो है यूएस का इन्फ्लेशन का हिस्ट्री। दोस्तों आप यूएस की हिस्ट्री 60 साल की देख सकते हो, एवरेज इन्फ्लेशन 3.7% का रहा है जो कि बढ़िया चीज है। दोस्तों हम यूएस के डेटा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यूएस की हिस्ट्री बहुत लंबी है और इंडिया के जीडीपी, इंडिया के इन्फ्लेशन, इंडिया के मार्केट के डेटा जो दोस्तों आपको इतनी हिस्ट्री के नहीं मिलेंगे, जीडीपी के मिलेंगे पर मार्केट के दोस्तों नहीं मिलेंगे, राइट? तो हमको यूएस की बिहेवियर देखेंगे, इससे इंडिया के 100 साल हम देख सकते हैं दोस्तों कैसे रह सकते हैं, राइट? अब 3.7% एवरेज, देखो जब भी इन्फ्लेशन के डेटा देखो ये जान 4% से नीचे इन्फ्लेशन है वो तब अच्छा है, राइट? हमने देखा इनका जीडीपी 6.5% से बढ़ा, इनका इन्फ्लेशन 4% से नीचे रहा, इसका मतलब कि इनके 60 साल वेल मैनेज थे, जीडीपी बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन जीडीपी से कम था। ये लंबे समय में क्या होता है पता है? जीडीपी मेरा ज्यादा बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन मेरा कम बढ़ता रहता है, तो लोगों का स्प्रेड बढ़ता है इनकम का, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है पर मेरे खर्चे नहीं बढ़ रहे, इन्फ्लेशन यानी खर्चे। तो ये जो स्प्रेड जो हर साल बढ़ता जा रहा है, ये स्प्रेड दोस्तों आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ाता है जो कई इंडस्ट्रीज के लिए आशीर्वाद होता है। जहां पे ये डेटा आपके सामने, इन्फ्लेशन के 3.7 हमने बताया, यस 4 से नीचे है तो बढ़िया है, कभी भी इन्फ्लेशन के डेटा देखे दोस्तों 4% से नीचे कंफर्टेबल जोन होता है, 4 से ऊपर निकले यानी हम कंफर्टेबल रेंज से बाहर निकल रहे हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर अगर 6 के ऊपर चले जाए तो समझ लो हम कंफर्टेबल रेंज के भी बाहर निकल गए दोस्तों। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन हमें बड़ा हैरान कर सकता है, कंपनियों के प्रॉफिट को तबाह कर सकता है, आपकी जेब पे बड़ी इफेक्ट ला सकता है। ऐसा होने पे बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और एक फटका लगता है, कंपनियों के भी प्रॉफिट टूटते हैं, आपके भी जेब ईएमआई बढ़ जाते हैं, तो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। दोस्तों आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मेरे ख्याल से इधर से मिलता है कि 1980s का जो दौर था ये समय पे दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था, देख रहे हो आप, इनफेक्ट 76 के बाद ही आपका इन्फ्लेशन हर साल बढ़ने लगा और इसकी इफेक्ट दोस्तों 1980 तक रही। तो ये पूरा दौर दोस्तों बुरा दौर था, ये हमको इधर से पता चलता है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला था, आपने कई बार दोस्तों 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन देखा, देख सकते हो 68, 70, 71, राइट, वगैरह वगैरह, और यहाँ तो यार 13.5%, मतलब ये तो खौफनाक इन्फ्लेशन था, राइट? इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना ये बिल्कुल बढ़िया चीज नहीं। तो ये डेटा से क्या पता चला? जीडीपी होगा तुम्हारा बहुत अच्छा, पर वो जीडीपी बढ़ रहा था मतलब कंपनियों के धंधे बढ़ रहे थे पर इन्फ्लेशन सारा सेल्स खा रहा था, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे थे, तो प्रॉफिट पूरा दशक बीत गया उतने के उतने, जीडीपी बढ़ा, धंधा बढ़ा पर प्रॉफिट उतने का उतना, तो शेयर होल्डर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी दोस्तों, आपके डिविडेंड नहीं बढ़ेंगे, इसकी इफेक्ट बाजार पे पड़ती है। तो दिस डेटा क्लियरली इंडिकेट्स यू कि मार्केट के रिटर्न दोस्तों अच्छे नहीं रह सकते ऐसे समय, राइट? आपने देखा कि पोस्ट इन्फ्लेशन जब घटने लगा, देखो जीडीपी तो अच्छा ही था, ये समय पे इतना अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था, यहाँ पे जो जीडीपी था उतना बढ़िया नहीं था, पर इन्फ्लेशन की जब कमर तोड़ी, इन्फ्लेशन की जब कमर टूटी, आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचे, कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और आपने ये लो इन्फ्लेटरी ट्रेजेक्टरी में आपने बढ़िया मार्केट को परफॉर्म होते हुए देखा। अब देखो एक और डाइवर्जेंस इधर है कि 2000 से 2010 में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड था, 2.4 था, पर ये टाइम पे जीडीपी आपने नेगेटिव भी जाता हुआ देखा,
तो जीडीपी वाज नेगेटिव, सेल्स ही नहीं था तो इन्फ्लेशन नीचे होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने ये समय पे भी बाजार के रिटर्न नेगेटिव देखे, राइट? अभी के समय में दोस्त आप देख सकते हो इन्फ्लेशन 2020 तक प्रॉपर कंट्रोल्ड था, लेकिन ये जो आखिरी टाइम 2021 अगेन दोस्तों, ये 4.7 का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, कितने से ऊपर इन्फ्लेशन पूरा है, 4% से ऊपर निकला इन्फ्लेशन, यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है, राइट? तो 2021 से ही उसने रंग दिखाना इन्फ्लेशन का चालू कर दिया था, और अभी अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन ये डेटा से भी डबल है, इसीलिए बाजार आपका करेक्शन में है। तो एकदम सीधी भाषा में समझो, जीडीपी का बढ़ना मतलब आपकी इनकम का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना मतलब आपकी कंपनियों के सेल्स बढ़ रहे, बाजार को चलना है। पर प्रॉब्लम कहां आ सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहे, जो ये समय हमने इन्फ्लेशन बढ़े हुए देखे थे, तो आपके भी खर्चे बढ़ चुके थे, आपकी स्पेंडिंग कम थी, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, राइट? जब जीडीपी बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल थी, यही वो टाइम था जब हमने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट। अब दोस्तों ये यूएस का 60 साल का डेटा आपके सामने है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, बहुत ज्यादा, कभी बहुत अच्छा था, ये दोनों डेटा के बावजूद एवरेज तो 3.7 है कि नहीं, राइट? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप आने वाले 50-60 साल देखते हो, अगर जीडीपी दोस्तों आपके अच्छे बढ़ सकते, इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कंट्रोल में रहने वाला है, तो पैसा बनना ही है दोस्तों। पर बीच में ऐसा समय आएगा जब जीडीपी थोड़ा म्यूटेड हो जाएगा, इन्फ्लेशन फन उठाएगा, वो तो समय पे आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, तो वो कुछ समय ऐसे हो के जब आपको अपने, क्या कह सकते हैं यार, वो नाम मेरे को नहीं मिल रहा है, अपने पेशेंस जो आप रख रहे हो, पेशेंस जो आप घुमा रहे हो, उसे काबू रखना पड़ेगा, राइट? लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन में आपके बाजार प्रॉब्लम में होंगे, भाव नहीं बढ़ेंगे, पर आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, अगर आपने अच्छी कंपनियों में पैसा डाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे धीमे धीमे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, जैसे घटे हैं 40-40%, 50-50%, वैसे ही प्रॉफिट बढ़ेंगे 50-50%, तब लेने जाएंगे क्या, सब महंगा। ऐसे समय पे मान लो जब बुरे हाल है, ये वो टाइम है जब बुरे हाल है, क्योंकि इन्फ्लेशन दोस्तों अच्छा नहीं है ये टाइम। देखो तीनों चित्र मैंने आपके सामने रखे, जीडीपी का ग्रोथ हिस्टोरिकल 60 ईयर्स, 6.3% रिटर्न, बीच में मैंने जो डेटा डाला है इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन 4% से बढ़ा, मतलब ओवरऑल आपको 2% का स्प्रेड मिला है, ये 2% बहुत बड़ी चीज है, राइट? इन्फ्लेशन से ज्यादा आप कमा रहे हो, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ता रहता है, राइट? इन्फ्लेशन और जीडीपी के डेटा को देखो और अब मैच करो कि कब रिटर्न आपको बुरे मिले, कब रिटर्न आपको बढ़िया मिले, आपको जवाब मिल जाएगा, राइट? ये चार्ट में आप सपोर्ट ढूंढोगे खाली, आप चार्ट में कुछ भी टारगेट ले लोगे दोस्तों, आखिर में चार्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, फंडामेंटल, जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल क्लियर होते हैं दोस्तों, चार्ट बेहतर होते रहते हैं, बीच में कभी खराबी भी आती है, इट्स ऑल राइट, राइट? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट परफॉर्म्स विद जीडीपी ग्रोथ, राइट? ये जवाब भी आपको मिल गया, ड्यूरिंग ईयर 1980 डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ मार्केट डिड नॉट परफॉर्म, व्हाई? बिकॉज योर इन्फ्लेशन वॉज टू हाई, इट वॉज नॉट हाई, इट वॉज टू हाई, राइट? पोस्ट 1980 टू 2000 मार्केट परफॉर्म वेल, ये बाजार के रिटर्न है दोस्तों बढ़िया एकदम, क्यों? जीडीपी बढ़िया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड में था, मार्केट दोस्तों एक बढ़िया हेज है, आपने सुना है ना हेज फंड बोलते हैं वो, क्यों? क्योंकि मार्केट एक बढ़िया हेज है इन्फ्लेशन के सामने, यूएस की 1-2% की फिक्स रिटर्न के सामने मार्केट ने 6.5% रिटर्न दी, राइट? तो यस, आपको फिक्स रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिले, इनफैक्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, सोचो अगर हमने फिक्स में डाला होता 3-1% रिटर्न मिलता, साथ में 4% तो महंगाई बढ़ रही, तो क्या रिटर्न मिलते, तो उल्टे हमारे पैसे कम हो रहे। यहाँ पे क्या हुआ, बाजार में, बाजार ने आपको स्प्रेड दिया है, राइट? फिक्स रिटर्न से भी ज्यादा, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा बाजार ने रिटर्न दिए दोस्त। अब इन्हीं चीजों को
हम और प्रकार से कंपेयर करेंगे कैसे। दोस्तों यही डेटा अभी का तो देखे, अभी क्या हाल है, दिस ईयर व्हाट इज ऑल अबाउट यूएस। दोस्तों मार्केट ने लोवर लो लगाया, दिख रहा है आपको हा? ये साल अगेन कोविड में कैसा हुआ था, कोविड में लोवर लो लगाया था फिर बाइंग आ गया था राइट। इस बार भी दोस्तों लोअर लो लगा है, बहुत नेगेटिव चीज क्या है, बाजार ने रैली को ब्रेक लगा दिया, लोअर लो लगाया। हो सकता है कि 2-3 साल भी ये करेक्शन रहे राइट, इट्स पॉसिबल, क्योंकि लोअर लो तो लगा है। पर दोस्तों डैमेज बहुत डेंजर नहीं है। क्यों डेंजर नहीं है, क्योंकि लो के नीचे क्लोज नहीं रहा। जब लो के नीचे क्लोज हो तब समझो कि कुछ साल आपके बिगड़े राइट। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है लो के नीचे क्लोज रहा, आपने देखा करीबन हाई लगाने में बाजार को 1, 2, 3, 4 साल लग गए, लंबा करेक्शन था ये 5 साल का। क्यों? क्योंकि बाजार ने लो के नीचे बंद किया था राइट। ऐसा दोस्तों यहां पे दोस्तों हरगिज नहीं हुआ है। यहां पे आप मान सकते हो करेक्शन तो है और ये रह सकता है यूएस का। क्यों? मार्केट ने लो लगाया, जीडीपी खाली 1% से बढ़ रहा है, उनकी एवरेज कितनी है 60 साल की, 6% की। दोस्तों अब 6% की एवरेज के सामने खाली 1% से जीडीपी बढ़ेगा तो ये कोई अच्छी निशानी तो है नहीं राइट। तो यूएस के मार्केट कब बढ़िया परफॉर्म करेंगे, जब जीडीपी वापस सुधरेगा। इन्फ्लेशन दोस्तों एवरेज 3.5% के सामने 8% है, डेंजर है, एकदम डेंजर, कंफर्ट लेवल से भी ऊपर है दोस्तों, है कि नहीं। तो बाजार यूएस के कब परफॉर्म करेंगे, जब जीडीपी सुधरे, इन्फ्लेशन नीचे आए, ये चीज हो तब यूएस के मार्केट पे इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आएगी राइट। दोस्तों इसी को इंडिया से कंपेयर किया जाए ना, अपन तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पैसा लगाने का है राइट। अब इंडिया में है अपने, इंडिया क्या कर रहा है, चलो आप बाहर भी हो तो भी इंडिया क्या कर रहा है ये देखना जरूरी है। ये हमने लॉन्ग हिस्ट्री डाउ जोन्स की देखी, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम सेंसेक्स देखें, देखो मैंने निफ्टी के बदले इधर सेंसेक्स क्यों लिया है, क्योंकि सेंसेक्स की हिस्ट्री फिर भी निफ्टी से ज्यादा है राइट। आपको 1980 से डेटा सेंसेक्स का मिल सकता है, निफ्टी का नहीं। तो ये डेटा देख के दोस्तों देखो सीधा पता चल रहा है बाजार पे निफ्टी ने आपके सेंसेक्स ने परफॉर्म तो किया है, इस साल डाउ जोन्स ने लोवर लो लगाया है, निफ्टी ने लगाया क्या, बिल्कुल नहीं। यानी निफ्टी डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी ने आपको बोल दिया कि भी मेरे को करेक्शन में रहे। निफ्टी या सेंसेक्स, आपके निफ्टी और सेंसेक्स ने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बनाया, ये पॉजिटिव निशान। नेगेटिव निशानी क्या है कि उसने प्रीवियस ईयर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर प्रीवियस ईयर के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये एश्योरिटी थी कि हम वापस से नया हाई देखेंगे, जो यहां पे एश्योरिटी नहीं। लेकिन दोस्तों डाउ जोन्स की एश्योरिटी है करेक्शन की, लोअर लो लगा दिया है वो तो इधर नहीं है राइट। तो करेक्शन एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म यहाँ पे रह सकता है, पर हम इस साल भी नया हाई देखेंगे राइट, क्योंकि डाउ जोन्स जैसा अफेक्टेड नहीं। तो इंडिया क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है राइट। करेक्शन में है पर हम अंडर परफॉर्मेंस में नहीं है। जीडीपी दोस्तों हमारी 60% राइट, चलो 8% आपके मुकाबले 60%, पर यार दुनिया की तो हालत टाइट है, वर्ल्ड पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको कंट्री नहीं मिलेगी इतने ग्रोथ वाले राइट। तो इंडिया मेजर इकोनॉमी में सबको आउट परफॉर्म करने वाली, इसीलिए करेक्शन है राइट, सॉरी इसीलिए आउट परफॉर्मेंस है, पर लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है इसीलिए क्या करेक्शन। इन्फ्लेशन एक हैरान कर रहा है, 5.9%, 4% की आपकी एवरेज के साथ। तो 5.9% इन्फ्लेशन, यानी इस बार जो जीडीपी बढ़ी 8%, उसको इन्फ्लेशन खा गया। 6% इन्फ्लेशन, यानी आपको स्प्रेड तो मिला पर जनरली जो इंडिया में मिलता है उतना बड़ा स्प्रेड नहीं। देखो ये साल भी आपका जीडीपी पर कैपिटा बहुत अच्छा बढ़ेगा, करीबन हम 2 लाख के करीब, पहली बार दोस्तों इंडिया 2 लाख के करीब अपनी जीडीपी पर कैपिटा दर्ज करेगी, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे ध्यान है हम लोग मीटिंग ले रहे हैं जब से 1 लाख रुपया इनकम थी साल की एवरेज इंडियन की, देखो 1 लाख से हम 2 लाख पहुंच गए, तो इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है राइट। पर ये साल आपको इन्फ्लेशन ने हैरान किया है, इन्फ्लेशन हाई है, इंडिया का बाजार धमाकेदार कब चलेगा,
जब हमारी जीडीपी और ज्यादा सुधरेगी, लॉन्ग टर्म एवरेज से और आगे निकले, इन्फ्लेशन हमारा कूल ऑफ होके वापस 4% जैसा आ जाए या उससे भी नीचे जाए, तब दोस्तों हम तेजी देखेंगे। तो भी प्रिपेयर रहो ना यार, क्यों उम्मीद करते हैं कि बार बार एकदम अभी हमको कमा लेना है। अभी कमाने का मत सोचो, अभी सोचो माल इकट्ठा करने का। हो सके उतनी लॉन्ग टर्म लिस्ट बना दो अलग अलग सेक्टर की, और वो कंपनियों को एक एक करके हर महीना SIP करके इकट्ठा करो ना माल। जैसे GDP और सुधरेगा, इन्फ्लेशन गिरेगा, यही सब कंपनियां आप 2.6x देखना चाहते हो ना, 20x रिटर्न देगी। कितने? नॉट 2.6, 26x रिटर्न दोस्तों यहां पे अपने को मिलेंगे। पेशेंस चाहिए यार, हम हथियार डाल देते, हम निराश हो जाते, कौन पॉजिटिव करेगा? कोई अपने को यहाँ पे पॉजिटिव करने नहीं आने वाला है। पर 10 साल बाद जब रिटर्न पूरे होंगे, पैसे हम बेच के निकल गए होंगे, ना वापस तेजी में घुसेंगे, ना इधर से उधर करेंगे, तब पता चलेगा कि यार मैंने पेशेंस नहीं रखा तो इसका मैं कितना बड़ा आज चुका रहा हूं उसका। राइट, पेशेंस रखो दोस्तों, बुरे समय में कोई आपको समझाने नहीं आए। ये है दोस्तों सेंसेक्स और GDP का डेटा। क्यों हम कम से कम सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं? तो दिस इज लॉन्ग टर्म डेटा दोस्तों। यहाँ पे देखो 1960 से तो है ही नहीं आपके डेटा, तो मैंने 1960 से मार्केट के डेटा लिए और 1960 से GDP के डेटा लिए। मैंने लिखा जरूर 1960 से है, पर जो नीचे कैलकुलेट किया है वो 40 ईयर डेटा है। राइट, तो आपको बड़े आउट परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। पर यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर हम डाउ जोन्स भी 1980 से 2020 करते दोस्तों, तो 16 तो आपको जो 6.5% रिटर्न था ना, वो नहीं होते, ज्यादा रिटर्न। राइट, जहां पे सेंसेक्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट, उनके 6% के सामने हमारे 16.5% रिटर्न। पर वो क्यों? या आप एक साइकिल देखो, 1980 टू 1990, 24% रिटर्न थे दोस्तों, कैन यू बिलीव इट? अरे पर ये गलत रिटर्न थे। गलत रिटर्न माने ये हर्षद मेहता वाली तेजी थी, फंडामेंटल नहीं थे, शेयर को चलाते थे। तो देखो सेबी टाइट हो गया है, सेबी अभी ये सब चीजें इनसाइड ट्रेडिंग चलाता नहीं है। राइट, आप देखते होंगे बहुत, कितने लोगों को पेनल्टी लगती रहती है रोज रोज, तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, भरो पैसा। राइट, उनको बैन कर देते। सो ये अच्छा है, लोग ट्रैप नहीं होंगे। देखो GDP तो अपना बढ़ नहीं रहा था, 5% का हमारा GDP ग्रोथ था, 5%, यानी हम वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहे थे। यूएस छोड़ो, यूएस तो एकदम परफॉर्मर था, पर हम दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहे थे। ये समय पे बड़े बुरे हाल थे हमारे, पर फिर भी दोस्तों हमारे बाजार में रिटर्न अच्छे दिए। दिस वॉज हर्षद मेहता, आप स्कैम बोलो या हर्षद मेहता की एक ऐसी तेजी जहां फंडामेंटल ना होने के बावजूद भी कंपनियों को चलाया जाता था। पर उसके बाद क्या, आप देख सकते हो 1992 2000 या 14% रिटर्न मिले। देखो GDP नहीं था ये समय पे, पर दोस्तों हमने लिबरलाइजेशन किया। आपको पता होगा 1992 में बड़े प्रॉब्लम हो गए इंडिया के अंदर, राइट, और हमको डिसीजन लेना पड़ा। आपको पता ही होगी कहानी, सोना गिरवी रखना पड़ा था, राइट, हमने डिफॉल्ट किया था। तो उसके बाद लिबरल होना मतलब हमको प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा, और ये बढ़िया मौके थे, तभी तो प्राइवेट को मौके मिलेंगे। प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, दुनिया का मार्केट खुला भारत के लिए, तो बाजार ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। इंडिया वॉज अंडर सर्व, क्यों? ग्रोथ नहीं था। पर जब लिबरलाइजेशन हुआ तो पता चल गया लोगों को, कम से कम FIIs को, कि अब भारत धमाकेदार बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन से कितना एम्प्लॉयमेंट खुलता है दोस्तों। GDP पे इफेक्ट कब आई? 2000 से 2010 में। देखा आप, जो फैसले 1992 में लिए उसको इंप्लीमेंट होने में समय लगता है। ये दशक बढ़िया दशक था दोस्तों, हमने 14% का GDP ग्रोथ देखा, 14% का, राइट, बाजार ने भी 18% रिटर्न दिए। तो ये तीनों दशक में, पहले दशक यूं ही रिटर्न आए, राइट, पर उसके बाद जो रिटर्न आ रहे हैं वो बिल्कुल बुरे हाल में से अच्छे हाल जब होते चले गए, बाजार के रिटर्न आए। 2010 से 2020 में दोस्तों हमारा GDP 60% से बढ़ा, हमारे बाजार ने भी 9% रिटर्न दिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग लास्ट 40 ईयर्स, योर GDP ग्रो बाय 7.3%, बट योर मार्केट ग्रो बाय 16%,
Q2, ये जो दो डेटा है उनकी वजह से, हर्षद मेहता और लिबरलाइजेशन, राइट। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों आपका जीडीपी जितना बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा मार्केट भी बढ़े। अब दोस्तों ये दशक में हमें उम्मीद है कि भारत का जीडीपी दोस्तों 8% प्लस बढ़ना चाहिए, जो यूएस का समय देखा था ना, वैसा समय अपना अभी इधर। तो मल्टी ईयर रैली इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स तो देगा ही, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियों में दोस्तों हम सबको देखनी है। तो आप भले 2.6x 5 साल में देखना चाहते हो, ये कुछ भी नहीं, ऐसे 2.6x मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेंगे, राइट। मैंने 2.6x इसलिए कहा था क्योंकि वैसे एक रैली में 5-1 गुना बाजार भी हो जाता है, 5-1 गुना शेयर हो जाता है, पर ये करेक्शन भी देखने का ना, खाली अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना देखने, करेक्शन और रैली दोनों को कंबाइन करोगे तो इसी प्रकार से दोस्तों जो 2.5x मैंने बात बताई 5 साल की वो मिलेगी, क्यों नहीं दोस्तों, राइट। सो नाउ मुझे उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी आइडिया क्लियर हो रही होगी। एक कहावत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अ मॉडेस्ट रेट ऑफ रिटर्न कैन एक्यूमुलेट अ फॉर्च्यून ओवर टाइम। मैंने देखा है बहुत से लोग इतनी ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनको हर साल 25% चाहिए, हर साल। हालांकि जो लोग बात करते हैं कि 20 साल 25% मिले, दोस्तों हर साल 25% नहीं आते, बात करते होंगे इतना कमाए उतना कमाए, पर वो कमाई की बात कितनी सही है वो मुझे आपको बताने की जरूर नहीं है, आपको समझ जानी चाहिए दोस्तों, राइट, कि सही कमाई दोस्तों लॉन्ग टर्म में होती है। आप जितना छेड़छाड़ करोगे वो कमाई को बिगाड़े, ट्रेडिंग में भी आप पैसा कमाओगे, जरूर कमाओगे, राइट, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म की चमक है वो नहीं मिल सकती है दोस्तों वहां पे स्पेकुलेशन। आपको अगर मॉडेस्ट रिटर्न भी मिले ना 12-15% के, कितने 12-15% के, या मैंने बताया डाउ जोन्स खाली 6.5% रिटर्न दिया है दोस्तों, 45 गुना हुआ है, 60 साल में 45 गुना, यानी हर साल ऑलमोस्ट डबल, यार 6.5% रिटर्न अगर कंपाउंडिंग में ये इफेक्ट कर सकते हैं तो इंडिया तो आपको 12% प्लस रिटर्न देने को बैठा है, अपना जीडीपी तो 8% प्लस बढ़ने वाला है। अगर आपका 12% रिटर्न लेते हो, जस्ट इमेजिन, क्या हर साल डबल देखने की जरूर है क्या? कोई जरूर नहीं है, ऑटोमेटिक होगा दोस्तों। यू डोंट नीड टू बीट द मार्केट, मत सोचो मेरे को बाजार को बीट करना है, टू ओवर लिवरेजिंग और पिक द बेस्ट स्टॉक टू बी रिच, ऐसा हरगिज नहीं। जस्ट यू नीड टू लर्न अ डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न एंड लेट योर मनी कंपाउंड ओवर टाइम, बराबर की नहीं दोस्तों, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में साथ रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम 8, धन्यवाद।